बाबा महाराज की पुण्यतिथि है, वो स्नेहमयी माती, वो ममतामयी माती, वो दयामयी माती, वो करुणामयी माती। 1973 में जब मैं बहुत छोटा था, नर्मदा जी में भयानक बाढ़ आई, गांव के गांव डूब गए, सरकार पहुंच नहीं पाई। सरकार पहुंचती उसके पहले, पहली बार जब मैंने अम्मा महाराज को देखा तो मैं बच्चा ही था। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेके सबसे पहले अगर कोई पहुंची तो अम्मा महाराज होशंगाबाद, अनाज, कंबल, जीवन निर्वाह की अलग अलग चीजें, उनका व्यक्तित्व देवित्व से भरा, उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी में ओज, सरस्वती जैसे उनकी जिह्वा पर विराजती थी, और उनको सामने देखते ही यह महसूस होता था जैसे देवी साक्षात हमारे सामने हमें आशीर्वाद दे। अलग औरा था सब, वैसा औरा मैंने, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मैंने कही, और वो उनके कर्मों के कारण। जहां जरा संकट आ जाए, राजमाता जी सेवा के लिए सबसे पहले पहुंचती, और कोई ये ना भूले, भारतीय जनता पार्टी का जो भव्य भवन आज खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो, उस भवन की सबसे प्रमुख शिल्पकार थी सिद्धेश्वर की राजमाता जी, हम कभी भूल नहीं सकते।